आमतौर पर मर्डर के पीछे कोई मकसद या वजह होती है या किसी से बदला लेना होता है, तभी हत्याएं की जाती है। लेकिन शायद ही आपने सुना होगा कि कुछ हत्यारे सिर्फ शौक के लिए हत्याएं करते थे। ठीक है, आइए जानते हैं ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिनके हत्याओं की दास्तानें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जैक द रीपर। ब्रिटेन के लंदन साल 1888 में जैक द रीपर नाम से कुख्यात अपराधी ने हत्याओं से शहर में सनसनी फैला रखी थी। हालांकि कभी भी इस अपराधी का असली नाम सामने नहीं आया। बताया जाता है कि वो सिर्फ महिला वेश्याओं का अपना शिकार बनाता था। वह उनकी गर्दन काट देता था और शरीर से आंतरिक अंगों को भी निकाल लेता था। हत्या के तरीके और मानव अंगों को निकालने के कारण उसे विचित्र नाम दिया गया था। वह इतना कुख्यात था कि उसने अपने ही नाम पर कई वीडियो गेम भी बनवा रखे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन बेन गेसी। जॉन को सेक्स अफेंडर और सीरियल किलर के नाम से जाना जाता था। वो बच्चों के हॉस्पिटल और बच्चों का मनोरंजन कराता था और उन्हें किडनैप कर लेता था। बताया जाता है कि पहले यह बच्चों का मर्डर करता था और फिर उनका रेप कर देता था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और घर की तलाशी ली तो वह 29 डिकम्पोजिंग बॉडीज मिली थी। उनमें से कबूल किया था कि उसने 33 लोगों का मर्डर किया था। थर्ड नंबर पर आते हैं एंड्री चिकातिलो। साल 1978 में एंटी चिकातिलो ने रूस में मर्डर करना शुरू किया था। वो महिलाओं और बच्चों को टारगेट बनाता था और बताया जाता है कि वो पहले महिलाओं और बच्चों को पहले किडनैप करता था और इसके बाद उनके गले काट कर दर्दनाक हत्या कर देता था। उसे बुचरा प्रोस्टोर के नाम से जाना जाता था। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उसने बताया कि उसने 56 महिलाओं और बच्चों को रेप किया और उनका मर्डर कर दिया था। चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर होराल्ड शिपमैन। 200 से ज़्यादा हत्याओं का दोषी होराल्ड शिपमैन पेशे से एक डॉक्टर था। वह अपने मरीजों को इस अंदाज में मार डालता था कि किसी को भी शक नहीं होता था, कि किसी को भी विश्वास भी नहीं होता था कि एक डॉक्टर इस तरह से लोगों को मार सकता है। डॉक्टर शादीशुदा था और उनके परिवार में 5 लोग थे। कहा जाता है कि वो अकेला ही रहता था और साथ ही डॉक्टर उसे पसंद भी नहीं करते थे। पांचवें नंबर पर आते हैं टेड बॉडी। 1970 के दशक का सीरियल किलर टेड बॉडी अमेरिका के कई शहरों में खूबसूरत महिलाओं का रेप करने और फिर उन्हें मार डालने के लिए कुख्यात था और उसने 36 महिलाओं की एक ही तरीके से हत्या कर डाली थी। हालांकि बताया जाता है कि उसने और भी महिलाओं का शिकार बनाया था। इस खतरनाक और सन के हत्यारे को सजा सुनाने के लिए हुई कोर्ट के ट्रायल का टीवी पर प्रसारण भी किया गया था। कोर्ट ने रेप और हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसे फ्लोरिडा में इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर मार डालने की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। ये सच्ची घटना है और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज ज्ञान फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे।